हम असल में मुनाफिक और झूठे लोग हैं, और हम लोग हमारे दो फेसेस हैं, सही है। तो हमारी दो तरह की लाइफ होती है, इसके अंदर कहीं के ऊपर भी हम जिस परस्ती को नहीं बताया गया। इसमें एक नेचुरल चीज़ें दिखाई गई हैं कि एक हस्बैंड जो है वो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और ये हमारे माशरे में बिल्कुल आम है। लेकिन अगर इस माशरे को हम मीडिया के ज़रिए और एजुकेट करने के ज़रिए, इस फिल्म के ज़रिए या इस तरह के टेलीविजन ड्रामों के ज़रिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने आप को जो है वो मेंटली लेवल पे, मेंटली हेल्दी लोग नहीं हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी फिल्म है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। बहुत खूबसूरत फिल्म है और बहुत रियल फिल्म है। इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या ऑब्जेक्शनेबल था, क्योंकि अब तक इस पाकिस्तान की जितनी सुपर हिट फिल्में रही हैं उनमें जिस लेवल का जो हम समझते हैं फहाशी पन, आइटम नंबर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अपनी सकाफत का हिस्सा समझते नहीं हैं, ना जानना चाहते हैं, ना मानना चाहते हैं। मैं अपने भांजे को लेके आई थी और वाकई में मेरे तो समझ ही नहीं आया कि कहाँ से इतना हंगामा मचाया हुआ है उसके ऊपर। बहुत लोगों के लिए इसका मैसेज को डाइजेस्ट करना शायद तकलीफ दे हो, क्योंकि तल्ख है जो हमारी सच्चाई है वो तल्ख है, और वो तल्खी आपको नज़र आती है इस फिल्म में, लेकिन सेंसर की कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आई। ये आईना दिखा रही है हमारे मुआशरे का, और बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है तमीज़ के दायरे में। तो मुझे तो इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं लगी, और बल्कि मुझे फ़ख्र हो रहा है कि पाकिस्तान में इस लेवल की मूवी बन रही है, जिसमें ना सिर्फ के एक्टिंग इतनी अच्छी है बट पूरी प्रोडक्शन बहुत खूबसूरत है। द फिल्म हैज़ कम्प्लीटली ब्रोकन माई हार्ट, इट्स वेरी इमोशनल। आई विल रिकमेंड एवरीवन टू वॉच इट। देयर वाज नो इंटरमिशन, एंड ऐसा नहीं लगा कि जो है आप थक गए हैं या बोर हो रहे हैं। एब्सोल्युटली स्पेल बाउंड फॉर एन आवर एंड अ हाफ, और जितना भी था ये वंडरफुल।